बच्चे आप एक्सरसाइज 2.4 करनी है बच्चों आपने। बच्चों आपको पास एक्सरसाइज जो 2.4 दी होगी वो आपको इस फॉर्मूलों की मदद से हल करनी पड़ेगी। अब फॉर्मूला क्या है आपके पास, फॉर्मूला नंबर 1 मैं लिख देता हूँ, ए क्यूब प्लस बी क्यूब इक्वल क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वेयर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वेयर। फॉर्मूला नंबर 2 क्या है बच्चों आपके पास, ए क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल ए माइनस बी इंटू ए स्क्वेयर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वेयर। अब ये क्यूब के फॉर्मूले हैं। अब आपने क्यूब के दो तरह के फॉर्मूले पढ़े थे, एक अलहदा अलहदा क्यूब के फॉर्मूला पढ़ा और एक आपने होल क्यूब का फॉर्मूला पढ़ा। अब यहाँ पे अलहदा अलहदा क्यूब के फॉर्मूले अप्लाई होंगे जो आपके सामने लिखे हुए हैं। जो क्वेश्चंस होगा बच्चों वो आपको इनमें से किसी एक शक्ल में दिया होगा, आपने जो आंसर लाना है वो आपने इस शक्ल में लाना है आंसर, ठीक हो गया बच्चों। जो क्वेश्चंस होगा बच्चों वो आपको इन दो में से किसी एक शक्ल में दिया होगा, ठीक हो गया। जो आपने आंसर लाना है वो आपने इस शक्ल में आंसर लाना है। अब इस शक्ल में आंसर लाने के लिए बच्चों आपको ए का भी क्यूब चाहिए और बी का भी क्या चाहिए, क्यूब चाहिए। ए का भी क्यूब चाहिए और बच्चों बी का भी क्यूब चाहिए। अब क्यूब किस तरह बनाना है, जैसे मैं लिख देता हूँ 27 फॉर एग्जांपल। अब 27 है, यहाँ पे लिख देता हूँ 27। अब 27 का क्यूब क्या बनेगा, अब जिन बच्चों को पता है भाई 3 का क्यूब बनता है तो वो बात तो ठीक है, जिनको नहीं पता वो बच्चे फैक्टराइजेशन कर लेंगे, ये लो 3 9 आ जाएगा, फिर 3 पे क्या 3, फिर 3 पे क्या 1, 3 3 3 आ गया, इसको मैं लिख दूँ 3 3 3। तो कैसे ये 3 की पावर 3 बना, क्योंकि देखो ये बेस है, बेस मल्टीप्लाई हो रहे हैं, बेस को एक दफ़ा लिख दिया, पावर्स क्या हो जाएंगे प्लस हो जाएंगे। ये एक छोटा सा कंसेप्ट बच्चे आपने क्या करना है, यूज़ करना। अब क्वेश्चन नंबर 1 क्या है बच्चों आपके पास, क्वेश्चंस करते हैं तो आपको क्लियर हो जाएगा। 8x³ माइनस वाई क्यूब, देखो यहाँ पर और यहाँ पर ये a है और ये क्या है आपके पास b, a क्यूब माइनस बी क्यूब। तो क्वेश्चंस आपको किस शक्ल में दिया हुआ है, फॉर्मूला नंबर 2 में दिया हुआ है ना, इस शक्ल में क्वेश्चन दिया हुआ है, आपने आंसर इस शक्ल में लाना है। इस शक्ल में आंसर लाने के लिए आपको ए का भी क्यूब चाहिए और बी का भी क्यूब चाहिए। देखो एक्स का क्यूब तो पहले से दिया हुआ है, वाई का क्यूब भी पहले से दिया हुआ है बच्चों। अब 8 किसका क्यूब है, जिसको पता है वो तो कह देगा सर 2 का क्यूब है, जिसको नहीं पता बच्चे वो कन्फ्यूज ना हो, वो इस तरह कर ले, फैक्टराइजेशन कर ले, 2 4 2 पे किया 2 आ जाएगा, 2 पे किया 1, ये आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। देखो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 कुव्वत के कवानीन क्या कहते हैं बच्चों, अगर बेस एक जैसे हो, मल्टीप्लाई हो रहे हो, बेस को एक दफ़ा लिखना है, पावर्स क्या हो जाएंगी प्लस, जिसकी पावर ना उसकी पावर क्या होती है 1 1 प्लस 1 प्लस 1, 2 की पावर क्या आ जाएगी 3 आ जाएगी। तो अब मैं इसको लिख सकता हूँ 8x³ को बच्चे मैं लिखना चाहूँ 2 का क्यूब x³, 8 की जगह पर मैंने लिख दिया 2³ और x³ साथ लिख दिया मैंने। अब इसको मैं लिख सकता हूँ 2x होल का क्यूब लिख सकता हूँ बच्चे, कैसे, क्योंकि देखो 2 और x यहाँ पे बेस है, अगर दो मुख्तलिफ बेस हो, मल्टीप्लाई हो रहे हो और उनकी पावर सेम हो, उनको एक दफ़ा लिख के उनको आपस में मल्टीप्लाई करना है, पावर को क्या कर देना है एक दफ़ा लिख देना है। देखो 2 को x से मल्टीप्लाई किया 2x आ गया, अब पावर दोनों की क्या थी सेम थी, तो पावर को क्या लिख दिया एक दफ़ा लिख दिया। इसी तरह ये 2x³ आ गया माइनस y का क्यूब आ गया। बच्चों ये आपके पास किसकी वैल्यू है, a की वैल्यू है, और ये जो y है ये किसकी वैल्यू है, b की वैल्यू है। फॉर्मूले में वैल्यू पुट करो, a माइनस b, a की जगह पे क्या आ गया 2x माइनस b की जगह पे क्या आ गया y आ गया, इंटू a का स्क्वायर, a की वैल्यू क्या है 2x, ये वाला फॉर्मूले वाला स्क्वायर प्लस फॉर्मूले वाला ए बी, अब ए की जगह पे क्या लिख दिया 2x, बी की जगह पे क्या लिख दिया y, प्लस बी का स्क्वायर है, बी की वैल्यू क्या है y, ये फॉर्मूले वाला स्क्वायर, फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दी। अब सिंप्लीफाई कर लो 2x माइनस y इंटू 2x का स्क्वायर, अब ये जो स्क्वायर है बच्चों ये 2 का भी है x का भी है, 2 का स्क्वायर ये लो, क्या मतलब है ये 2 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा, 2 मल्टीप्लाई 2 तो क्या आ जाएगा 4, और x का स्क्वायर x ही आएगा, ये लो इस तरह x स्क्वायर ये मल्टीप्लाई होगा x मल्टीप्लाई x, तो x स्क्वायर आ गया।
प्लस 2x इंटू वाई, इन दोनों के दरमियान साइन क्या है, मल्टीप्लाई का है, तो 2x को y से मल्टीप्लाई किया 2xy आ जाएगा प्लस y स्क्वायर आ गया। इस तरह बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 1 क्या हुआ, कंप्लीट हुआ। अब क्वेश्चन नंबर हम क्या करते हैं, 5 करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 5 क्या है बच्चों, 27 माइनस 1000 y क्यूब। अब क्वेश्चंस आपको किस कंडीशन में दिया हुआ है, देखो दो टर्म है, साइन क्या है माइनस का है, कहाँ पे है दो टर्म साइन में, फॉर्मूला नंबर 2 में। अब इस शक्ल में क्वेश्चन दिया हुआ है, आपने इस शक्ल में क्या करना है, आंसर लिखना है। इस शक्ल में आंसर लिखने के लिए आपको a का भी क्यूब चाहिए और b का भी क्यूब चाहिए। अगर यहाँ पे पहले से क्यूब बने हुए हों तो फिर तो ठीक है बच्चों, अगर क्यूब ना बना हुआ हो, दोनों टर्म्स का क्यूब ना बना हुआ हो, तो फिर पहले हम क्या करेंगे बच्चों, क्यूब बनाएंगे। अब देखो क्यूब बनाते हैं, अब 27 है। किसी बच्चे से मैं पूछता हूँ, जी बच्चे बताओ 27 किसका क्यूब है, वो कहेंगे सर 3 का क्यूब है, क्योंकि उनको पता है 3 का क्यूब। जिन बच्चों को थोड़ी सी कन्फ्यूज़ है वो बच्चे क्या करेगा, 27 की फैक्टराइजेशन करें, 3 पे क्या 1, ये 3 मल्टीप्लाई 3 लिख लो बच्चों, लिख दिया यहाँ पे। अब उसके बाद आपने क्या करना है बच्चों, 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 लिखने के बाद आपने क्या करना है, इसको लिख सकते हो ना आप 3 का क्यूब, कैसे देखो 3 मल्टीप्लाई 3 यहाँ पे क्या है, बेस है, 3 यहाँ पे क्या है बच्चे, बेस, जिसको आप एहसास बोलते हैं। अगर बेस एक जैसे हो, मल्टीप्लाई हो रहे हो, बेस को एक दफ़ा लिखेंगे, पावर्स क्या कर देंगे, +1 +1 +1, तो क्या आ जाएगा 3, ये 3 का क्यूब, 27 किसका आ गया, 3 का क्यूब आ गया। अब एक क्यूब तो बन गया हमारे पास, अब दूसरा क्यूब बनाना है। अब देखो y तो y का क्यूब तो पहले से पड़ा हुआ है, अब 1000 किसका क्यूब है बच्चों। अब कोई बच्चा बता देगा सर फौरन 10 का क्यूब है, अगर ना पता चले तो बच्चों ये इस तरह मैं यहाँ पर समझा देता हूँ बच्चों आपको, 1000। अब ये लो, अब बच्चों ये बहुत बड़ा नंबर है, 2.3 में मैंने कहा था आपने छोटे नंबर से फैक्टराइजेशन करनी है, अब ये बहुत बड़ा नंबर है, अब आपने इसको छोटे नंबर से नहीं करना, कोशिश करना है बड़ा नंबर ले लें, ऐसा नंबर लें जिसका ये क्यूब आसानी से बन जाए। अगर 2 से करेंगे वो भी क्यूब बन जाएगा, लेकिन हम टाइम ज़्यादा वेस्ट होगा, तो अब हम इसको क्या करता हूँ, 10 पे करता हूँ, 100 आ जाएगा, फिर 10 पे किया, 10 आ जाएगा, फिर 10 पे किया 1, तो क्या आ गया, 10 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 10। देखो 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, तो वही काम है ना, 3 की जगह पे 10 आ गया, तो फिर मैं इसको लिख सकता हूँ 10 का क्यूब मैंने लिख दिया, ठीक हो गया। अब साथ क्या था, y का क्यूब, अब ये मैं यहाँ पे लिख दूँ 1000 बच्चे, अब देखो ये 1000 y क्यूब है, अब 1000 की फैक्टराइजेशन की, तो वो मेरे पास है 10 क्यूब y क्यूब। देखो इसी तरह की कंडीशन बन गई है ना, 8x वाली 2 क्यूब x क्यूब, तो अब क्या क्या बेस दोनों मुख्तलिफ हैं, तो कुव्वत के कवानीन क्या कहते हैं, बेस को आपस में मल्टीप्लाई कर दो, अगर पावर सेम है तो पावर एक दफ़ा लिख दो, यही काम मैंने किया है, 3 का क्यूब माइनस 10 y का क्यूब। अब ये बच्चों 3 जो है ये किसकी वैल्यू है बच्चों, a की है, और ये जो 10 y है बच्चों ये किसकी वैल्यू है, b की वैल्यू है, तो फॉर्मूले में वैल्यू पुट करो, a माइनस बी, ए की जगह पे 3 माइनस बी की जगह पे 10 y इंटू 3 का स्क्वायर, 3 की वैल्यू क्या है, एक की वैल्यू 3, ए का स्क्वायर है 3 का स्क्वायर प्लस ए बी, फॉर्मूले वाला प्लस ए बी, ए की जगह पे 3 आ जाएगा, बी की जगह पे क्या आ जाएगा 10 y, प्लस फॉर्मूले वाला बी का स्क्वायर है, तो बी की वैल्यू क्या है 10 y का स्क्वायर आ जाएगा, 3 माइनस 10 y इंटू 3 का स्क्वायर क्या आ जाएगा बच्चों 9, 3 2 times मल्टीप्लाई हुआ तो 9 प्लस, अब 3 को 10 से मल्टीप्लाई किया 30 y प्लस 10 y होल का स्क्वायर, अब ये जो स्क्वायर है ये 10 का भी है y का भी है, 10 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 100 y का y स्क्वायर आ जाएगा। इस तरह बच्चों ये क्वेश्चन नंबर 5 आपका क्या हुआ, कंप्लीट हो गया बच्चों। अब एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 बच्चों क्या है, 8x³ - 1/27। जैसे आपने क्वेश्चन नंबर 1 में किया था 8x³, क्वेश्चन नंबर 1 की स्टेटमेंट है बच्चों 8x³ - y³, तो आपने 8x³ को लिखा था ना 2x³, ठीक हो गया, वैसे ही आपने इस x³ को लिख दिया 2x³, कैसे फिर मैं आपको बता देता हूँ, 8 की फैक्टराइजेशन की 2 और 2 पे क्या 1, तो क्या है 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, तो क्या आ गया 2 का क्यूब आ जाएगा,
अब है 8x³, अब 8x³ तो मैं 8 को लिख सकता हूं, 2 का क्यूब x³ तो क्या आ जाएगा 2x होल का क्या आ जाएगा क्यूब आ जाएगा, क्यों बेस को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, बेस मतलब है इनको मल्टीप्लाई करके लिख दिया दोनों के पावर से, मेरे पास में क्या करते एकदम 2x होल का क्या आ जाएगा क्यूब आ जाएगा, ठीक हो गया भाई। अब आपके पास क्या है 1/27, ठीक हो। अब ये क्यूब क्यों बना रहे हैं, क्योंकि देखो सवाल हमारे पास इस फॉर्मूले में क्यों, हम इसमें क्या करते हैं आंसर लिखते हैं, फॉर्मूला हमने क्लोज किया हुआ है, हमने फॉर्मूला ओपन करना है, फॉर्मूला ओपन तब ही होगा जब हमारे पास ए का भी क्यूब होगा और बी का भी क्या होगा क्यूब, तो इसलिए ए का क्यूब और बी का क्यूब बनाने के लिए हमें ये काम करना पड़ रहा है। अब 8x³ को तो मैंने लिख दिया 2x का क्यूब, ये आपके सामने मैंने आपको बता दिया। अब माइनस का मतलब 27 है, ठीक है। अब 1 का क्यूब तो 1 होता है, इससे तो हमें कोई नहीं फर्क पड़ता, अब 27 है, अब 27 की फैक्टराइजेशन की हम 3 लिख दिया, क्या मैं इसको 3 × 3 × 3 को 3 का क्यूब लिख सकता हूँ, तो लिख सकते। अब 1/27 की बात हो रही है, 1/27 अब मैं लिख दूँ 1 का क्यूब और 27 को लिख दूँ 3 का क्यूब, तो अब इस कंडीशन को मैं इसमें किस तरह कन्वर्ट करूँगा, देखो ये दोनों बेस मुख्तलिफ है, बेस को एक दफा लिख दूंगा, ठीक है, पावर दोनों को सेम है तो पावर क्या करूँगा एक दफा लिख दूंगा, ये 1/3 का क्या हो गया क्यूब आ गया। बच्चों ये आपके पास जो 2x है ये किसकी वैल्यू है, ए की वैल्यू है, जो ये 1/3 है ये किसकी वैल्यू है बच्चे बी की वैल्यू है, तो आप फॉर्मूले पर वैल्यू पुट करो, ए माइनस बी, ए की वैल्यू क्या है 2x माइनस बी की वैल्यू क्या है 1/3 इंटू ए का स्क्वायर, ए की वैल्यू क्या है बच्चे आपके पास 2x का स्क्वायर आ जाएगा, ये जो स्क्वायर है ये फॉर्मूले वाला प्लस ए बी, तो ए की वैल्यू क्या है बच्चे आपके पास 2x इंटू बी की वैल्यू क्या आपके पास 1/3 प्लस बी का स्क्वेयर, तो बी की वैल्यू क्या आपके पास 1/3 का क्या आ जाएगा स्क्वेयर, तो अब आप इसको सिंप्लीफाई कर लो 2x माइनस 1/3 इंटू 2x का स्क्वेयर है जो आपके पास, ये 2 का स्क्वेयर क्या आ जाएगा 4 और x का स्क्वेयर क्या आ जाएगा x स्क्वेयर प्लस जिसका ओवर ना हो बच्चे उसका ओवर क्या होता है 1, अब 2x को 1 से मल्टीप्लाई करें 2x आ गया, 1/3 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आ गया 3 प्लस 1/3 होल का स्क्वायर क्या आ जाएगा 1/9 आ जाएगा। इस तरह ये क्वेश्चन नंबर 9 बच्चों क्या हो गया कंप्लीट। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 11 ये दोनों सेम है, इसमें से मैं आपको क्वेश्चन नंबर 11 समझा देता हूँ। अब क्वेश्चन नंबर 11 क्या है बच्चों आपके पास ए माइनस बी माइनस ए क्यूब प्लस क्या है बच्चों ए क्यूब है, देखो इसकी भी पावर 1 है इसकी भी पावर 1 है, तो मैंने इसका एक फैक्टर बना दिया एक ब्रैकेट दे देते हैं, अब बाकी सारे ये वाले ये वाले ठीक हो गया। अब यहाँ पे माइनस का साइन है, मैंने कोशिश की है इस प्लस को मैं किस में कन्वर्ट करूँ माइनस में, इस प्लस को मैं माइनस में चेंज करूँ, तो क्या करना है प्लस को माइनस में चेंज करने के लिए मैंने क्या किया इस पूरी टर्म में से यहाँ तक इस पूरी टर्म में से मैंने क्या किया माइनस कॉमन लिया, जब माइनस कॉमन लेता हूँ तो माइनस साइन चेंज करते हैं ना, तो माइनस कॉमन लिया क्या आ जाएगा ए क्यूब माइनस क्या आ जाएगा बी क्यूब आ जाएगा, ए माइनस बी माइनस कॉमन लिया तो क्या आ जाएगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब, क्यों क्योंकि ये माइनस इस माइनस को प्लस में चेंज करके इस प्लस को इस में चेंज करके माइनस में ये काम कर दिया। अब इस ए माइनस बी को तो मैंने वैसे लिख दिया, अब माइनस ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब किसके इक्वल है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, वो मैंने ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर फॉर्मूला मैंने क्या करके ओपन कर दिया। देखो यहाँ पर भी ए माइनस बी है, यहाँ पर भी ए माइनस बी है, दोनों सेम है ना, फॉर एग्जाम्पल इस पूरी टर्म को मैं लेट कर लेता हूँ एक्स, ये भी फिर एक्स आ जाएगा, इस पूरी टर्म को मैं लेट कर लेता हूँ वाई, तो ये बन जाएगा एक्स माइनस एक्स वाई आ जाएगा, इसको सिंप्लीफाई करूंगा तो क्या आ जाएगा एक्स इंटू 1 माइनस वाई बचेगा, क्योंकि एक एक्स का वो मैंने कॉमा ले लिया तो पीछे वन ही बचेगा ना, तो जिसका कोफिशियंट नहीं होता तो उसका कोफिशियंट वन ही होता है, तो ये जो काम किया है मैंने समझाया आपको कंसेप्ट, इसी कंसेप्ट से मैंने ये वाला स्टेप किया बच्चों। अब a माइनस बी था a माइनस बी, तो मैंने a माइनस बी कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर इसका कोफिशियंट वन था तो वो वन बच गया माइनस ये वाला साइन मैंने लिख दिया, अब a माइनस बी था वो बाहर आ गया आप पीछे क्या बन जाएगा ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, वो मैंने ब्रैकेट में लिख दिया, आप ये वाली ब्रैकेट आ गया।
ठीक हो गया। अब a माइनस इंटू वन, अब देखो ब्रैकेट के बाहर क्या है, माइनस का साइन। अगर ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन है तो अंदर वाले साइन क्या होते हैं, चेंज होते हैं। जब हम माइनस किसी में से कॉमन लेते हैं तो फिर भी साइन चेंज होते हैं, जब माइनस ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई होते हैं तो फिर भी क्या होता है, चेंज होते हैं। अब ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन है तो अंदर वाले साइन चेंज हो जाएंगे, प्लस का ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो जाएगा, प्लस का ए बी है तो माइनस ए बी हो जाएगा, प्लस का बी स्क्वायर है तो माइनस का क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर हो जाएगा। इस तरह ये बच्चों क्वेश्चन नंबर 12 आपका क्या होगा, 11 कंप्लीट हुआ। बच्चे अब क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 11 तक मैंने आपको क्वेश्चन आई थी 4 क्वेश्चंस लिए हैं, पीछे आपके 7 क्वेश्चन बनते हैं, वो आपने बच्चों खुद ही करने हैं। बाकी जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5, 6 जो भी है वो इन्हीं क्वेश्चंस के रिलेटेड है, जैसे ये क्वेश्चन सॉल्व किए वैसे ही वो क्वेश्चन हमने सॉल्व करने। अब क्वेश्चन नंबर 10 और 11 ये दो क्वेश्चन एक जैसे थे, 11 मैंने आपको समझा दिया, क्वेश्चन नंबर 10 आपने जो क्या करना है खुद करना। तो कल इंशाल्लाह फिर हम इससे आगे क्वेश्चंस को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे।